भोजपुरी वालों ने एक गीत गाया बहन जी, कौन सा बेटे कातिल जवानी परे भी अदाबा, तुमको देख के अच्छे अच्छे मेहनत करने लगते हैं। कातिल जवानी परे भी अदाबा, कातिल जवानी परे भी अदाबा, यही से ओ बाबू दुनिया फिदाबा, दुनिया फिदाबा, दुनिया फिदाबा, दुनिया फिदाबा, दुनिया फिदाबा। लगता है पीके आला बड़ा पीके बउआ, बिल्कुल ये गाना गूगल में भी नहीं मिलेगा। कहना है क्या? क्या मैंने सोचा कि जब जनकौआ लखनऊआ आ गया तो मैंने विचार किया और मुझे दादाजी कुछ लोग मिले, मिले चतुर्भुजी रूप धारे हाथन का बउआ, बिल्कुल सही समय पे तुम दाव मारते हो। ये हमारे दादा जिनकी बदौलत ये बच्चा गाना बजाना गा रहा है, दादा श्री संतोष गुप्ता जी, बड़े भैया हमारे श्री राकेश वर्मा जी, पंडित श्री पप्पू शर्मा जी, आप तब से पुनः ये 500 पद आए हुए हैं। मैं बारंबार आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मैंने कुछ बहुए देखे जो पैदा अनोखे हुए, चतुर्भुजी रूप धारे, चतुर्भुजी रूप धरे हाथन का बउआ, इसके चार चार हाथ हैं, चतुर्भुजी रूप धरे हाथन का बउआ, चतुर्मुखी चतुर्मुखी शीश जिसके माथन का बउआ, माथन का बउआ।
बाद और एक अधूरा पैदा हुआ, पर मेरा कहना क्या है, बहुत ज्ञानी है कि भाव पैदा वो पातन के साथ बहुआ, पेट में ही बोलने लगा, भाव पैदा वो पातन के साथ बहुआ और पत्ती सोता तन के साथ बहुआ। हेलो हेलो चेक, हेलो भैया इसका वॉल्यूम बढ़ा दे पुनः। हेलो 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 मैन माइक खोलो भाई। हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो पहले जैसा बना दे। हेलो वॉल्यूम बढ़ाए बोले और बढ़ाए। हेलो 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 चेक, हेलो ये बात होनी चाहिए। हेलो हेलो बढ़िया व्यवस्था है आपकी, बहुत बढ़िया साउंड का कोई जोड़ नहीं। पहला तो मैं शंबानी दादाजी को नमन कर रही हूँ जिन्होंने समय के लिए सूचित किया है। बिल्कुल सत्यवाद है, 30 मिनट का समय है, 35 मिनट का क्षमा कीजिएगा, आपने कहा है 1-2 मिनट इधर उधर हो सकते हैं और का बेटे हो सकते हैं, लेकिन हमारे सचदेव भैया जी ने इतनी बड़ी सूची बना दी है और का इतनी बड़ी सूची बना दी कि 35 मिनट में उसे पूरा करना असंभव है। समाने भैया, मैं राकेश भैया भी बैठे हैं, नमाने मेरी ओर से और पप्पू भैया भी। आपने कहा है क्या कि जो गीत मैंने लिखा है आपने कहा है ठीक है, ठीक है, और वो ठीक कहना बहन जी आपका आलोचना था। सचदेव भैया वैसे आपका नाम शरारती है, सही काम भी शरारती करते हो। बात है बेटे, मैंने कहा क्या आपने जो गीत गाया बहुत बढ़िया है, क्या आपने अभी लिखा है, अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं सुनते हैं, अच्छी बातें इस काम, अच्छा गीत लिखा है और आपने जवाब मांगा है। मैंने कहा दादाजी कि माता रानी जब स्वयं ही लाजवाब है तो हम उनका जवाब क्या दे सकते हैं, जो मुझसे बना मैंने लिखा है। आपने कहा आपके लेखक महोदय नहीं समझ पाए, उसमें आ ई ऊ औ ये लगा था, जब बड़े भैया हमें शरारती भैया सिखा रहे थे बता रहे थे तो हमको लगता था कीर्तन मंच पर नहीं, हम किसी प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आंगनबाड़ी की पढ़ाई हो रही है। लेकिन सचदेवा जी शायद आपको भी पता नहीं है, आपने कहा लेखक महोदय समझ नहीं पाए, आपको ये भी पता नहीं है कि लेखक क्या होता है और रचनाकार क्या होता है। आप कह रहे लेखक महोदय, पहले लेखक और रचनाकार में अंतर करिए। जो भी जवाब आया है बढ़िया है, बढ़िया है, आपने पूरे गीत को पुनः पढ़ा है, ये लिखा है वो लिखा है, बहुत बढ़िया, लेकिन जो जवाब आया है सुना है आप सभी ने, ये घिरे वो घिरे अब समुद्र ने भी घेरा, समुद्र ने भी हाथ फैला दिए थे हनुमान जी महाराज के लिए, कम से कम जो बात लिखी उसको स्पष्ट करिए, क्योंकि जो पंक्ति मेरी बोल रही थी, एक एक पंक्ति बोल रही थी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। कि फिर ना इन्होंने चाहा इन पे लात फेरी है, सारदान शायद खुद ही उस
ठाकुर राम जी बनकर आना पड़ा तो कहना पड़ा क्या कि राम जी लगाने आए लंका में फेरे है। लेकिन नीचे वाले भैया बोल रहे हैं टीटू भैया हाँ वहाँ प्रभात फेरी लगाने आए थे, हो सकता है हमारे यहाँ भी आ जाएं। अगर भाव आपके अच्छे हैं तो इसमें संदेह मत करिए, भगवान कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन आइए, आपने जो कुछ दिया है स्वीकार है, क्योंकि जब आपने मुझे बड़ी बहन कहा है तो ये बड़े भैया राकेश भैया, क्योंकि शब्दों से कहने वाली बात नहीं है, जिसे मन स्वीकार कर लेता है उसके चेहरे से भाव झलक आते हैं। आपने कहा कि जैसे जिसके भाव होते हैं वैसे ही गीत को समझते हैं, क्योंकि आर पार की लड़ाई आपने दिखाई है। मैंने ये नहीं कहा था शरारती जी, सुना करिए पहले, मैंने ये कहा था कि जिस भाव से गीत लिखा जाता है कलाकार अपने भाव डालता है उसमें, ये नहीं कि मैंने भाव को समझा है। अरे माता रानी की कथा अपनी जगह है, हमारे और आपके भाव अपनी जगह है। बहुत बढ़िया धुन आई है, साथ ही इशारा ही कर किया है कि वो ना समझ लेना, हम कोई भी धुन समझें। सचदेवा जी, आपको केवल स्वरों से मतलब है, क्योंकि यहाँ फिल्म की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ना ही शूटिंग हो रही है, कि वो चुनरी वाली बात आई थी आपने दुपट्टे वाली समझ ली या शॉल वाली समझ ली, क्योंकि स्वरों से मतलब होता है। तरसे हुए लगते हैं बावड़ा। तो कहना क्या आपने बताया कि 32 दांत और वो 32 दांत थे किसके? तुलसीदास जी के थे। आइए मैं भी एक कवि को ले रही हूँ, सुने
कर लिया तो कहना पड़ा। क्या बोले? जब गर्भ में सीख लिया तो आपने कहा 32 दांत। देखिए जो बच्चा गर्भ में ठीक से रोना है उसको शुद्ध नहीं है, वेद का अध्ययन कर रहा है। की बात समझो, की बात सत्य मानो, समझो ना हूँ तो गर्भ में ही वेद पढ़ रहा है। आपके सुंदर से खंड गीत के काम बच्चों की तरफ से प्रयास।